स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मुड़ा भाई यहाँ से ले लेते ना सब्जी। नहीं नहीं, नहीं प्रवीण तू चल, सब्जी खरीदेंगे तो अपनी सुलक्षणा सब्जी वाली से ही, तू चल। अरे लेकिन ये सुलक्षणा सब्जी वाली है क्या मुड़ा भाई? इधर ही है, वो देख वो बोर्ड दिख रहा है ना। अच्छा वहाँ है, वहाँ से लेफ्ट जाना है। वहाँ से लेफ्ट 2 किलोमीटर है, तू चलना। 2 किलोमीटर मोटा भाई, ये सब्जी वाली क्या पूना में? देखिए मोटा भाई, मैं एक बोल देता हूँ, सब्जी खरीदने के बाद हम रिक्शा से घर जाएंगे। तब की तब देखेंगे, अब तो चल। देख कितनी अच्छी धूप खिली है, देख। क्या? हाँ देख, अच्छी धूप। भाई साहब, एक भाई साहब, धूप अच्छी खिली है ना? कौन घनचक्कर ऐसा कहता है? नहीं नहीं, ये मेरे मोटा भाई है, ये ऐसा कह रहे हैं कि आज धूप अच्छी खिली है। इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। मोटा भाई, हेडलाइन हेडलाइन। मोटा भाई की बोलती बान, भला उसका हाँ मेरी हाँ से बड़ा कैसे? हसमत प्रवीण हसमत, चल। तुझे पता है ना, वक्त पे नाश्ता नहीं तैयार हुआ तो क्या होगा? सॉरी भाई साहब। मीनाक्षी बैठ बेटा, आज मैं जो कहूंगी वही तुझे करना है, बैठ। बा की आज्ञा का पालन नहीं करेगी? बैठ। हाँ, बैठ करेगी। बैठ। सॉरी बा, सॉरी, वो पापा लेकर आए हैं ये टिश्यूज ना। बहुत गर्मी है ना। ओफो। एक एक करके क्यों डाल रही है लीला भाभी, पूरा बॉक्स डाल दीजिए ना। सुबोध भाई, जब आप लोग लिविंग रूम में क्रिकेट देख रहे होते हैं तब आप क्या हालत करते हैं लिविंग रूम की, कुछ याद है आपको? आप सुबोध भाई रिलैक्स, प्रवीण भाई ने कहा था ना थोड़ा बहुत परेशान करेंगे लोग, तो लंबी लंबी सांस खींचिए। वेरी नाइस। चलो मीनाक्षी ऑर्डर दो। मैं? हाँ तू माड़ी रे। मीनाक्षी भाभी, माँ को बाद में याद कीजिए, पहले ऑर्डर दीजिए। अच्छा। चाय लीजिए मेम साहब। सुबोध भाई चाय वाले, जय श्री कृष्ण। तो सुबोध भाई ऐसे बोले ना, गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय। सुबोध भाई, आज तो मैं 2 कप चाय पीऊंगी। खाने में भी चाय चलेगी बेबी? अरे ओ छोटे चाय वाले, नाश्ता ला भाई। नहीं राजा गट्टू भाई, ये लीजिए हमारे घर की फेवरेट खारी पूरी, गांठिया, सेव और ये खाखरा। बा, मैं शाम को उठा।
नहीं तो फिर ये हेमल शाम का नाश्ता क्यों दे रहा है अभी? हेमल बेटा, सूरज निकला है, सुबह हो गई, जाते और वो भी संडे की सुबह क्यों बा? और संडे के दिन नाश्ते में हम क्या खाएं? मैं बोलूं गरम गरम थेपला, पुडला, मसाला पूरी, फिर गरम गरम ढोकला तड़का दिया हुआ, याद आया? और हाँ, उसके साथ में हरी मिर्ची की मसालेदार चटनी और मेरी लाल मिर्च वाली लहसुन की चटनी, वो तो मैं भी खाऊंगी। हाँ लीला भाभी, कच्चे पपीते का अचार चाहिए मुझे। कच्चे पपीते का अचार मीनाक्षी के लिए, उसे बहुत पसंद है। कच्चे पपीते का अचार तो इस टेबल पे होना ही चाहिए। वो क्या है, आप लोग लेट उठे ना, तो हमें लगा कि अगर आप लोग हेवी नाश्ता कर लेंगे तो 12:30-1 बजे लंच नहीं कर सकेंगे, इसलिए। हो लीला, ये लोग संडे के दिन लेट हेवी नाश्ता करते हैं तो लंच में खाते नहीं है कुछ? खाते हैं ना बा, लेट खाते हैं 2:30 बजे। हाँ। क्योंकि नाश्ता भी तो लेट करते हैं ना, 11:30 बजे। अरे हाँ हाँ, लास्ट संडे तो इन्होंने नाश्ते में कंपटीशन भी रखी थी ना। सबसे ज्यादा पुडला कौन खाएगा, और सुबोध ही जीता था ना, 12 पुडले खाए थे उसने। नहीं बा, प्रवीण भाई जीते थे, उन्होंने 17 खाए थे। बा ये लोग है ना बहुत शाने हैं, इन लोग ने मुझको कंपटीशन में रखा ही नहीं था, चिटरकॉक। तो बराबर है ना, तुझे रखते तो तू ही जीतता, 36 पुडले खा गया था ये। ए लीला लीला, मीनाक्षी बेबी गुड़िया, हम सब पुडले की कंपटीशन रखते हैं, कौन सबसे ज्यादा पुडले खाएगा उसकी कंपटीशन। और गट्टू भी हमारे साथ हिस्सा लेगा। चलेगा। और गट्टू तो सबसे ज्यादा यानी 40 पुडले खा के इन सबको बता देना, तू जीत जाना मेरे बच्चे। लेकिन बा, गए हफ्ते ही तो खाए थे ना हमने पुडले। हाँ तो कैंसिल कर दो, तो मेन्यू चेंज कर देते हैं इस हफ्ते। पूरी भाजी का कंपटीशन रखते हैं। हाँ, मुझे तो आलू खाना है। बिल्कुल जी। भाजी गर्मा गर्म गोल गोल पूरी भाजी, जीरे वाली जरा हल्दी डाल के पूरी भाजी हो जाए। ओ जी, हमारे बीच में कंपटीशन है जी, तो जाइए जल्दी से जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी लेकर आइए। मोटा भाई और प्रवीण भाई आएंगे ना, बाद में बनाएंगे। क्यों प्रवीण भाई और मोटा भाई क्यों? बेबी क्या है कि हमें सिर्फ चाय बनाने आती है, नाश्ता नहीं। मैं बना देती हूँ ना पूरी भाजी। मीनाक्षी, अब हमें नाश्ता लेट मिलेगा। अरे यार, कितनी भूख लगी है मुझको मालूम है, तुम कभी आएंगे मोटा भाई और प्रवीण भाई? हेमल सुबोध, दो जवाब गट्टू को, देख के आते। मोटा भाई यहाँ से ले लेते ना सब्जी। नहीं 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 प्रवीण, तू चल, सब्जी खरीदेंगे तो अपनी सुलक्षणा सब्जी वाली से ही, तू चल। अरे लेकिन ये सुलक्षणा सब्जी वाली है क्या मोटा भाई? इधर ही है, वो देख, वो बोर्ड दिख रहा है ना। अच्छा वहाँ है, वहाँ से लेफ्ट जाना। वहाँ से लेफ्ट 2 ही किलोमीटर है, तू चल ना। 2 किलोमीटर? मोटा भाई ये सब्जी वाली क्या पूना में? देखिए मोटा भाई, मैं एक बोल देता हूँ, सब्जी खरीदने के बाद हम रिक्शा से घर जाएंगे। तब की तब देखेंगे, अब तो चल, देख कितनी अच्छी धूप खिली है, देख। क्या? हाँ देख, अच्छी धूप। भाई साहब, एक भाई साहब, धूप अच्छी खिली है ना? कौन घनचक्कर ऐसा कहता है? नहीं नहीं, ये मेरे मोटा भाई है, ये ऐसा कह रहे हैं कि आज धूप अच्छी खिली है। इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। मोटा भाई, हेडलाइंस हेडलाइंस। मोटा भाई की बोलती बन, भला उसका हाँ मेरी हाथ से बड़ा कैसे? हंस मत प्रवीण, हंस मत, चल
तुझे पता है ना वक्त पे नाश्ता नहीं तैयार हुआ तो क्या होगा। सॉरी भाई साहब। अरे वो पैंट ठीक से चेक कर हेमल। ठीक से तो चेक की मैंने। अरे वो अरविंद की पैंट है, दो दफा चेक करते हम। एक दफा कागज का छोटा सा टुकड़ा धुल गया था तो उसने हंगामा मचा दिया था। अरे लेकिन मैंने तुझे जितना कहा जाए उतना कर तू। ये ले ऐश कर। मेरे रूम से कपड़े ले आए ना देवर जी। हाँ भाभी जी। अच्छा सुनिए, मेरी साड़ियाँ मत धोइएगा। हाँ आप लोग देखा हेमल, इसे कहते हैं हमारी प्यारी भाभी। हाँ इसीलिए भाभी को माँ का दूसरा रूप कहते हैं। लीला भाभी कितनी अच्छी है, हम पर दया खाकर अपनी साड़ी खुद ही धोएगी। नहीं आपके मोटा भाई धोएंगे मेरी साड़ियाँ। हाँ अच्छा, और वो चेक्स के शर्ट्स भी अलग कर दीजिएगा आपके मोटा भाई। हाँ अरे बच्चों के कपड़े अलग रख। नरसी काका इतना चिल्लाते क्यों हैं? मारोगे पापा? दिशा कटाई पर बदल दीजिए, सुसु की है। एक दिन में कितनी बार सुसु करती है दिशा? कभी माँ के मन में ये सवाल नहीं उठता सुबोध भाई। जाइए डायपर। जाओ। अरे नीली शर्ट का रंग उतरेगा, अलग सा रख दे। सब समझाना पड़ता है तुमको। नरसी काका प्लीज आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे? मेरे सामने जबान मत चला वरना गोदर को कह दूंगा। ओहो जरा धीरे प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है, मैगजीन पढ़ रही हूँ ना मैं। लीला भाभी ये नरसी काका इतनी कुड़कुड़ क्यों कर रहे हैं आज? आज हेमल भाई मेरी शादी को कितने साल हो गए? हुए होंगे 20-22 साल। 22 साल, 22 साल से मैं कपड़े धोती आ रही हूँ और 22 साल से इनकी कुड़कुड़ भी सुनती आ रही हूँ। ऐसे ही हैं ये। वैसे आपकी तो हेल्प कर रहे हैं ना वो? क्या खाक हेल्प कर रहे हैं? खून पी रहे हैं हमारा। मेरी बुराई मत करो वरना गोदार को कह दूंगा। जाइए। वैसे ये बाप के जासूस भी हैं, पता है ना आपको? तो जाइए। भूल गया था। होता है, काम में कभी कभी भूल जाते हैं हम। बोल बोल। कितने सारे कपड़े हैं? हो जाएगा हेमल, हो जाएगा। लीला बाबू, लीला बाबू, लीला बाबू, लीला बाबू, क्या हुआ? हमें बहुत भूख लगी है। भूखे मारे रहा नहीं जाता। ए चैताली तू नाटक मत कर, और इन सबको भी मत सिखा। मैं नाटक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। क्या सुबोध भाई, अरे भूख लगी है, क्या टाइम हो रहा है? हाँ गट्टू काका तो पेट पर टॉवेल बांधकर बिस्तर पर सांप की तरह इधर उधर रेंग रहे हैं। बेचारे गट्टू भाई। अरे क्या बेचारे गट्टू भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो 6 खाकरा सेव गाठिया खारी पूरी इतना सब कुछ तो खाया है। सुबोध भाई आप भूख बढ़ाने के लिए क्या लेते हैं? हाँ जलजीरा क्यों? हाँ तो ये 6 खाकरा ये 10-15 खारी पूरी इतना बहुत सारा सेव गाठिया ये सब गट्टू भाई का जलजीरा है। उन्हें थेपले आलू की सब्जी मसाला पूरी इन सब चीजों की भूख लगी है। आप भी ना, है ना चैताली? हाँ। वैसे मैं 20 मिनट में ये सब तैयार कर सकती हूँ अगर आप कहे तो। नहीं नहीं नहीं, प्रवीण भाई और मोटा भाई आ रहे हैं। ए हेमल जल्दी से उनको फोन लगाना। क्या इसे कहते हैं दुकान में अधिक मांस?
निकलते हैं। अरे ये धनिया कहाँ रखूं प्रवीण? अरे लीला भाभी के बालों में फूल लगा रहे हो क्या? ठोसी है ना इसे। ऐसा नीचे टमाटर रखे हैं, कुचल डालेगा टमाटर को क्या तू? मोटा भाई खाना टाइम पे सब नहीं किया ना तो हमारे क्रिकेट देखने के अरमानों को घर वाले कुचल डालेंगे। और रख इसे भी रखी। रिक्शा रिक्शा? अरे मोटा भाई पैसे मैं दे दूंगा। अरे पर घर पास में तो है प्रवीण। लेकिन हमारा नहीं, हमें हमारे घर जाना है मोटा भाई। हमारा घर तो अपने पड़ोसी के घर से भी दूर पड़ता है। रिक्शा एक मिनट पकड़ी। रुक प्रवीण रुक। अरे रुक प्रवीण रुक। भाई साहब दीक्षित रोड नहीं। क्यों नहीं? क्यों दीक्षित रोड नहीं? आप ना कैसे बोल सकते हो? हम बैठेंगे। देखिए भाई मैं बोरली जा रहा हूँ। तो एक काम कीजिए, हमें बोरी वाली छोड़ दीजिए, लेकिन हम बैठेंगे। अरे भाई साहब जाने दो ना। ठीक है भाई साहब, रास्ते में किसी टीवी की दुकान पर छोड़ देना। ठीक है, अगर हमें मैच देखनी है ना मोटा भाई तो अपना अलग से टीवी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज तो हम जीतेंगे नहीं। चलिए आइए। लूट गए मोटा भाई, बर्बाद हो गए हम। इस चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रवीण, पैसे सारे मेरे पास है यहाँ जेब में। अरे मुझे पैसों की नहीं पड़ी है मोटा भाई, एक घंटे तक घूम घूम के चुन चुन के हमने जो सब्जियां इकट्ठा की थी उंधियों के लिए, हमारी उंधियों की अमानत चली गई मोटा भाई। तू फटाफट परांजपे को फोन लगा। मोटा भाई इतने सारे लोग, हम इंस्पेक्टर परांजपे के घर मैच देखने नहीं जा सकते। अरे कंप्लेन करने के लिए फोन लगा ऐसा कह रहा हूँ मैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन बाप को क्या जवाब देंगे मोटा भाई? घर पे तो बगावत हो गई है, अब अगर खाली हाथ गए तो। एक मिनट एक मिनट, अब अगर टाइम पे नाश्ता सर्व करना है तो एक ही रास्ता है। चलिए। एक घंटा और, कितने बजे पता है? दादी माँ पेट में चूहे कूद रहे हैं और वो भी इतने बड़े बड़े, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। बाप प्लीज सिर्फ एक मौका दीजिए ना, हम सब भाइयों की ओर से मैं आपको वादा करता हूँ, एक घंटे के अंदर आपकी पसंद का नाश्ता आपके सामने होगा। एक ही घंटा ना? हाँ दिया। पर बाप। अरे बेबी कभी कभी देर तो हमसे भी हो जाती है, इतने सालों के अनुभव के बाद भी कभी गैस खत्म हो जाता है तो कभी मीनाक्षी की स्लो ट्रेन और स्लो हो जाती है। थैंक गॉड आज संडे है, कोई दूसरा रीजन होता तो भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता। इनके राज में हमारे साथ कभी भी भूखे पेट स्कूल नहीं गए दादी माँ, आपके राज में। बल्कि दादी माँ हमें रिसेस में खाने के लिए पोहा उपमा थेपला छुंदा कुछ ना कुछ हमेशा मिलता था आपके राज में। लेकिन आज लगता है कि हमें लंच टाइम तक भी सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा इनके राज में। सबको नाश्ता मिलेगा। अरे I promise you, सिर्फ एक मौका दीजिए। ओके सिर्फ एक घंटा? हाँ हाँ, एक घंटे के बाद एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो। हाँ कितने बजे? 11:15। 12:15 बजे नाश्ता मिल जाना चाहिए। हाँ your time starts now. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।